जय हिंद डियर फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 373.509। इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना। तो देखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 373.509 इज इक्वल टू, तो एक्सपेंडेड फॉर्म के बाद जब आती है ना, तो हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सपांड करते हैं। तो पहला यह थ्री देखिए, डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट में यूनिट टेंस हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस में है, तो 3 × 100 प्लस नेक्स्ट 7 है, तो 7 × 10 क्योंकि ये टेंस की प्लेस में है, नेक्स्ट प्लस 3 × 1 ये वंस की प्लेस में है, अच्छा प्लस ये 5 है, तो 5 × डेसिमल पॉइंट के बाद किसी भी नंबर को हम ऐसे ही लिखते हैं, मान लीजिए 0.5 है, तो इसको हम 5/10 ऐसे ही लिख सकते हैं, 5/10 ऐसे ही लिखते हैं ना, क्योंकि 5 को 10 से डिवाइड देने से वही 0.5 आएंगे। अच्छा अब देखिए, अगर हम 5 × 1/10 लिखे ना, तो वही 5 × 5 डिवाइडेड बाई 10 होंगे, और इसकी डेसिमल में वैल्यू 0.5 यानी कि 0.5 ही ओके। तो इसके मतलब क्या हो रही है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है इसको 10 से डिवाइड दी जाएगी, इसको कहते हैं 1/10th प्लेस, इसको 100th प्लेस और नेक्स्ट 1000th प्लेस, ठीक है। अच्छा तो प्लस 0 है ना, तो 0 × 1/100 या फिर डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, या फिर अगर इस एक्सप्रेशन को ना लिखे तब भी चलेगी, ये 3 नंबर है ना, तो 9 × 1/1000 मतलब 1000th प्लेस। अच्छा इसको और भी एक तरीके से लिख सकते हैं, और भी थोड़ा सा शॉर्टकट, और 3 × 100 300 प्लस 7 × 10 70 प्लस 3 × 1 3 प्लस 5 × 1 5 5/10 प्लस, अच्छा इस एक्सप्रेशन को अगर ना लिखे तो भी चलेगी, डायरेक्ट इसको 9 × 1 9/1000 ऐसे भी होगी, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा आप 2 नंबर में देखिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ कुछ नंबर्स है, 6 नंबर्स है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है, छोटी सी बड़ी की तरफ अरेंज कर देना। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सी नंबर है, देखिए डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट में 0 वाला यहाँ 2 नंबर से 1 2, इन दोनों को कंपेयर करते हैं पहले, तो इन दोनों के कंपेरिजन में देखिए, ये डेसिमल पॉइंट के बाद ही 3 आ रही है और यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद ही 0 आ रही है, तो देखिए 0 से 3 बड़ा है, यानी कि इस नंबर से इस नंबर छोटा है, तो पहले सबसे पहले यह नंबर आएगी, तो आंसर में ऐसे लिखें असेंडिंग ऑर्डर, तो 0. पहले आ जाएगी 0.032, यह सबसे छोटा है। अच्छा कॉमा कॉमा से आप सेपरेट कर सकते हैं, नेक्स्ट इसको लिखना, ये भी 0.321 है, नेक्स्ट देखिए ये दोनों तो गए। अच्छा आप देखिए, आप डेसिमल पॉइंट की पहले एक डिजिट की नंबर यहाँ कितने कितने हैं, एक डिजिट के नंबर डेसिमल पॉइंट की पहले एक डिजिट, ये भी है 3.102, अच्छा ये भी है और ये भी है, तो इनमें से देखिए डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में ये 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ 1 है, तो इन दोनों के कंपेरिजन में 1 वाला नंबर छोटा है, तो 1.32 आएगा, 1.32। अच्छा नेक्स्ट देखिए 3.21 और यहाँ 3.12, अच्छा पॉइंट के बाद 1 आ रही है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 आ रही है, तो इसके मतलब इससे ये छोटा है, तो इसके बाद देखिए 3.102 है। अच्छा इसके बाद 3.21 यानी कि 210 भी लिख सकते हैं, 3.21 है। अच्छा ऐसा मत मानना कि यहाँ डेसिमल का मान 21 है और यहाँ डेसिमल के पॉइंट के बाद 102 है, ऐसा मत मानना, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद हम लास्ट में अपने मन में नहीं जीरो लगा सकते, तो यहाँ अगर आप 10 हमने लगा दी तो 210 हो जाएगी, तो यहाँ देखिए 102 और 210 में 210 बड़ा है, तो मतलब
इससे बड़ा, इससे ये बड़ा है, ठीक है। अच्छा ये दोनों भी गए ना। इसके बाद देखिए डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट में तीन डिजिट, दो डिजिट वाले एक ही नंबर है 30.032, तो नेक्स्ट आएगी 30.032 है। अच्छा यहाँ आप कमा के बदले में लेस देन साइन भी लगा सकते हैं, लेस देन साइन, तो ये लेस देन इसकी है। अच्छा ऐसे ये लेस देन साइन है, ऐसे भी लगा सकते हैं और कोमा से भी सेपरेट कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। अब नेक्स्ट थ्री नंबर देखिए, राइट द प्लेस विल यू फाइंड इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो इन सब नंबर्स में जहां जहां फाइव है इस फाइव की प्लेस विल लिखना। तो ये नंबर में देखिए ये डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट में यहाँ दूर दी थी, तो यूनिट टेंस, तो टेंस प्लेस में फाइव है, तो फाइव इंटू टेन यानी कि 50 है। तो प्लेस बिल वॉक 5 × 51.73 इज 50 है, 5 × 50 ना। बी नंबर में देखिए, बी नंबर प्लेस वैल्यू ऑफ 5 × 573.1 इज, ये 100 के प्लेस में ना 500 है। अच्छा इसके केस में देखिए ये 5/10 है, 5/10 क्योंकि डेसिमल पॉइंट का राइट साइड में है ना, तो यानी कि 5/10 है, ये 1/10 की प्लेस में है और 1/10 में डिजिट 5 है, तो 5 × 5/10 हुआ। नेक्स्ट देखिए इसके केस में 5 यहाँ है ना, तो इवनी यहाँ देखिए 10/100, तो 500 है, मतलब नीचे 100 होगा। ये देखिए 10/100,000, तो 5/1000, 5/1000, तो ये है थ्री नंबर के सॉल्यूशन, इजी ना। नेक्स्ट फोन नंबर देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। तो इन सब ऐसे लेकर यहाँ ई तक पांच क्वेश्चंस है, इनको रुपीज में कन्वर्ट करना। यहाँ पैसे में है, कुछ तो है पैसे और रुपीज दोनों में है, तो अल्टीमेटली रुपीज में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हमें पता है कि 100 पैसे से 1 रुपी बनती है, 100 पैसे से 1 रुपी बनती है, यानी कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं। तो अगर पैसे को रुपी में कन्वर्ट की जाए तो 100 से डिवाइड देता हूँ, अगर रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना करना, इंटू करना, ठीक है। तो यहाँ 50 पैसे, तो 50 को 100 से, सॉरी 50 को 100 से डिवाइड दी जाएगी, तो 10 से 0 कट जाएगी, तो 5/10 से डिवाइड दी जाए तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे हो गए, तो 0.5 रुपीस, यहाँ रुपीस वाट में लिखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डी नंबर 5 पैसे, तो 5 पैसे 5 को 100 से डिवाइड देना, तो इज इक्वल टू 100 से अगर डिवाइड दी जाए तो डेसिमल पॉइंट टू डिजिट राइट साइड में आके मुट हो गई, तो यहाँ तो एक डिजिट है, तो और एक डिजिट जीरो से बनाई जाएगी 0.5, तो यहाँ पॉइंट, तो 0.05 रुपीज, सॉरी। नेक्स्ट देखिए 5 रुपीज 5 पैसे, अच्छा 5 रुपीज, तो ये ठीक है, तो यहाँ तो 5 रुपीज है, 5 तो ये 5 है, प्लस ये 5 पैसे को हम 5/100 ऐसे ही लिखेंगे और बाहर में रुपीज लगा देंगे, तो 5 को अगर 100 से डिवाइड दी जाए ना तो 0.05 होगा इसकी तरह। तो इसके साथ और भी 5 ऐड की जाए ना, तो 5.05 है, तो इज इक्वल टू 5.05 रुपीज। ये नंबर देखिए 550 पैसे, तो 550 को आप 100 से डिवाइड देंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, तो इज इक्वल टू डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पुट होगी, क्योंकि देखिए 1 के बाद 10 है, तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट साइड से मूव होकर लेफ्ट साइड में आएगी, एक डिजिट सिर्फ, तो यहाँ तो डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट हो जाएगी, तो 5.5 रुपीज, यानी कि 5.50 यहाँ अगर आप चाहे तो जीरो भी लगा सकते हैं, 10, ठीक है। तो 5.50 मतलब 5 रुपये और 50 पैसे है, ठीक है। अच्छा 555 पैसे, तो
555 को 100 से डिवाइड दी जाएगी तो 5.55 रुपीस। इजी भाई, बहुत इजी। नेक्स्ट भाई, फाइव नंबर देखिए, एक्सप्रेस 35 मिलीग्राम एमजी मतलब मिलीग्राम इन ग्राम एंड किलोग्राम। तो ये जो 35 मिलीग्राम है इसको ग्राम से और किलोग्राम से कन्वर्ट करना। तो देखिए, ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, हेक्टर, डेका, किलो, इन सब यूनिट्स में क्या अंतर है, क्या रिलेशन है, आपको ये भी जानना चाहिए। क्या आपको पता है कि 1000 mg इज इक्वल टू 1 g मतलब 1 ग्राम है और 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम है, kg है। तो अगर मिलीग्राम से आपको किलोग्राम में जाना है ना, तो 1000 × 1000 यानी कि 10 लाख से डिवाइड देना पड़ेगा। तो देखिए, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ अगर हम चाहें ना, तो डिवाइड देनी पड़ेगी। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आना है तो एंट्री करनी पड़ेगी। देखिए एक चीज़, 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1 डेसीग्राम, डीजी 10 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, 10 ग्राम इज इक्वल टू 1 डेकाग्राम, डीएसी डेक मतलब डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम इज इक्वल टू 1 हेक्टोग्राम, hg, और 10 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 1 kg, किलोग्राम। तो इन यूनिट्स के बीच क्या क्या अंतर है, क्या क्या रिलेशन है, देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मिलीग्राम से हम कहाँ पे पहले जाना, ग्राम पे पहले हमें जाना है। तो मिली से ग्राम में देखिए, यहाँ से यहाँ ग्राम है ना, तो यहाँ कितने हैं, 1, 2, 3 तीन यूनिट, 3 10 है, तो 3 10 को इंटर करना, तो मतलब 1000 मिलीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। अच्छा, आप फिर ग्राम से देखिए किलोग्राम में आना, तो यहाँ कितने हैं, 1, 2, 3 है, तो मतलब क्या है, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है। दूसरा एक चीज़ देखिए, अगर डायरेक्ट मिली से किलो तो कहना है, तो इस बीच कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6, 10 को इंटर करने से जो रिजल्ट आएगी, 1 के 5 6 0s आएंगे, यानी कि 10 लाख होगा। तो 35 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 से डिवाइड देना, 35 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 1 के बाद 3 0 है और यहाँ 2 डिजिट है, तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड से 3 डिजिट चुड़ के आके पुट होगी, तो यहाँ तो 2 डिजिट, तो और 1 डिजिट 0 से होगी, 035 यहाँ पे, तो अब 0.0035 ग्राम्स है। अच्छा, एंड 35 mg इज इक्वल टू किलोग्राम में कन्वर्ट करना, तो 35 अपन 1000 × 1000 मतलब क्या है, 10 लाख, 10 लाख में 1 के बाद 6 0s आएंगे, तो इज इक्वल टू, यहाँ तो ओनली 2 डिजिट्स है, 1 के बाद 6 0 है, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ 6 डिजिट आके डेसिमल पॉइंट पुट हो गए, तो यहाँ तो सिर्फ 2 डिजिट, तो और भी 4 डिजिट चाहिए, तो 0 से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 3, 5 लास्ट में, अब यह पॉइंट हो, तो 0.00005 किलोग्राम, ठीक है, तो ऐसी आंसर है, इजी ना। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लीटर्स, लीटर्स में एक्सप्रेस करना, तो यहां मिलीलीटर्स में, ml मतलब मिलीलीटर, तो ग्राम के जो यूनिट है ना, वही यूनिट लीटर के केस में है, 10 मिलीलीटर
वन सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर 1 लीटर, 10 लीटर 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर 1 हेक्टोलीटर, 10 हेक्टोलीटर 1 किलोलीटर। ठीक है, तो यहाँ ml है तो लीटर में जाना ना, तो मिली से डायरेक्ट लीटर तक जाना, तो 1000 ml इज इक्वल टू 1 L, 1000 ml से 1 लीटर होती है। और सेंटीलीटर, सेंटीलीटर की बात की जाए ना तो 100 सेंटीलीटर से 1 लीटर होते हैं, क्योंकि सेंटीलीटर की पहले है मिलीलीटर, 1 सेंटीलीटर में 10 मिलीलीटर है। ठीक है, तो और भी कम है, और भी छोटा यूनिट है, तो यहाँ हम छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो डिवाइड देना कितनी से, 1000 से, तो 30 मिलीलीटर इज इक्वल टू 30/1000 इज इक्वल टू 10 से, तो 10 कट जाएगी। अब 0.2 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट मूव पुट हो गए, तो यहाँ तो 1 डिजिट है, तो और 1 डिजिट 0 से मनाएंगे। अब आ गई डिटरमाइन, इसको भी 3 से इसकी केस में 3 से 1000 3 को 1000 से डिवाइड देना, तो 0.003 लीटर होगा, क्योंकि 1 के बाद 3 जीरो है, तो 3 डिजिट होनी चाहिए डेसिमल पॉइंट की राइट साइड में, तो यानी कि डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट लेफ्ट में आकर पुट होगी, तो यह तो ओनली 1 डिजिट है, और 2 डिजिट 0 से बनाना। अब देखिए 330 ml, तो 330 को वही 1000 से डिवाइड देना, तो 1 जीरो से, तो 1 जीरो कट जा रही है ना, तो 2 डिजिट लेफ्ट में आके पुट होगी, तो यहाँ पे होगी, तो इज इक्वल टू 0.33 लीटर। तो इस पॉइंट को समझने के लिए यहाँ 1 जीरो देना, इसकी कोई वैल्यू नहीं, तो ये होते हैं आंसर भाई, इजी ना भाई। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस 20 सेंटीमीटर इन मीटर्स एंड किलोमीटर्स, तो अब सेंटीमीटर से मीटर्स और किलोमीटर्स में जाना, तो लीटर और ग्राम की केस में जैसा यूनिट था ना, सेम मीटर की केस में भी वैसे ही होगी, 10 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर 1 मीटर, 10 मीटर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यह सीधा बात यह है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, वैसे ही 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी कि क्या है? तो देखिए, अगर आप सेंटीमीटर से डायरेक्ट किलोमीटर में जाना चाहे ना, तो देखिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, यहाँ देखिए सेंटीमीटर से मीटर में आने के लिए 100, अच्छा मीटर से किलोमीटर तक 1000 है, तो 100 और 1000 को गुना करना, यानी कि 100000 होगी, यानी कि 1 के बाद 5 जीरो, 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो, अब है सेंटीमीटर। तो इन सब चीज़ को अच्छे से समझे, तो यहाँ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 20, को कितने से 100 से डिवाइड देना, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाए, तो 0.2 मीटर है, इधर शॉर्टकट एम लिख सकते हैं, एंड 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20/1 कितने से 1 के बाद 5 जीरो वाला नंबर, यानी कि 100000 से डिवाइड देना, 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो इज इक्वल टू, आप देखिए 1, 2, 3, 4 जीरो है ना 1 के बाद, तो 4 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट आकर पुट हो गई, तो यहाँ तो 1 डिजिट है, तो और भी 3 डिजिट बनाना, 1, 2, 3 इसके बाद 2, अब किलोमीटर लिखना, ठीक है कैम किलोमीटर, अब यहाँ पॉइंट हो गए 1 जीरो लगाना, तो 0.0002 किलोमीटर है, 20 सेंटीमीटर की वैल्यू है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट 8 नंबर देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स, 6 मिलीमीटर mm मतलब मिलीमीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर की जगह है, इज इक्वल टू कितने मीटर, यहाँ मीटर की जगह है, तो मिली से पहले सेंटी तक जाना, तो मिली सेंटी, तो 6 मिलीमीटर ना,
तो यहाँ छोटी यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ हम जा रहे हैं तो डिवाइड होना, लेकिन कितनी से डिवाइड देना, तो यहाँ देखिए मिली से सेंटी तक डिफरेंस 10 है, 10 गुना है, तो 10 से डिवाइड देना, तो 6/10, 6/10 इज इक्वल टू 0.6 है, तो 0.6 सेंटीमीटर। अब देखिए मिली से मीटर तक, मिलीमीटर से मीटर तक, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm यानी कि मिलीमीटर। तो मतलब इसको 1000 से डिवाइड देना, तो 3 0 है 1 के बाद 3 डिजिट लेफ्ट साइड में आकर डेसिमल पॉइंट पुट हो गए, तो यहाँ तो 1 डिजिट है और 2 डिजिट 0 2 0 से बनाना, 6 पॉइंट यहाँ पे हो गए, तो 0.006 है, 0.006 मीटर है। तो ये है भाई आंसर। अब नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल की पेरीमीटर निकालना, तो यहाँ चारों साइड्स की मेजरमेंट्स दी गई है, तो किसी क्वाड्रिलेटरल की पेरीमीटर अगर वो एक इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल है तो चारों साइड्स की साम ही पेरीमीटर है, चारों साइड्स की जो बाउंड्री है ये तो पेरीमीटर होते हैं ना, तो यहाँ लेंथ दी गई है, तो पहले देखिए 3.7, तो 3.7 सेंटीमीटर, नेक्स्ट प्लस 5.4 सेंटीमीटर प्लस 6.2 सेंटीमीटर प्लस 7.4 सेंटीमीटर। अब सबको ऐड करना, इज इक्वल टू देखिए डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पहले ऐड करना, 4 प्लस 2 6 6 प्लस 4 10 प्लस 7 17 17 7 कैरी ओवर 1 है, अच्छा 7 प्लस 6 13 13 प्लस 5 18 प्लस 3 21 प्लस 1 22 22 है, अच्छा जो डेसिमल पॉइंट यहाँ पुट होगी, क्योंकि फर्स्ट जो डेसिमल है चारों फर्स्ट डेसिमल ऐड की ना, तो ऐड करने के बाद 17 आया, 17 की 7, तो यहाँ कैरी ओवर जो भी होगी डेसिमल पॉइंट पुट हो जाएगी, तो 22.7 सेंटीमीटर है। अब बाटे के लिए सबको ऐड करके देखिए, 3.7 5.4 6.2 7.4, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट पुट हो जाएगी, पहली पुट कर देना, 7 प्लस 4 11 11 प्लस 2 13 प्लस 4 17 7 कैरी ओवर 1 कैरी ओवर यहाँ पे 1 3 प्लस 1 4 प्लस 5 9 9 प्लस 6 15 प्लस 7 22, तो 22.7 आया ना, ठीक है। तो ये होते हैं भाई 9 नंबर के सॉल्यूशन। भाई नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरुणा हैज़ ₹158.75 इन हर पर्स, शी स्पेंड्स ₹79.4 टू बाय वेजिटेबल्स, फाइंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। तो अरुणा के पास इनकी पर्स में ₹158.75 थे, ₹158.75 यानी कि ₹158.75, अच्छा इनमें से 79.4 रुपये की वेजिटेबल्स सब्जियां खरीद की, तो अब इनके पास कितने पैसे, कितने रुपए बची है, तो टोटल पैसे तो ये थी ना, तो इससे ये जो खर्चा हुआ वेजिटेबल्स पे वो माइनस कर देना, और आंसर ऐसी ढंग से लिखना, मनी लेफ्ट विथ अरुणा इज ₹158.75 माइनस ऑफ ₹79.4 इज इक्वल टू ₹, तो यहाँ रफ कैलकुलेशन करना, 158.75 79.4 यानी कि 40 भी लिख सकते हैं, 5 माइनस 0 5 है, 7 माइनस 4 3 है, पॉइंट है, 8 माइनस 9 तो नहीं होगी, 1 बराबर करना तो क्या होगा 18 18 माइनस 9 9 है, यहाँ 4 बचा, ठीक है, तो इस 1 को यहाँ लाना से 14 14 माइनस 7 7 है, तो 79.35 है, तो ₹79.35 है। अब अरुणा के पास इतनी पैसे बची है वेजिटेबल्स खरीद करने के बाद, तो भाई
वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।